हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी रॉक में। और आज का व्लॉग काफ़ी तगड़ा होने वाला है क्योंकि हम एक बेहतरीन लोकेशन में जाने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है यानी कि पेट्रोल भराना, बाइक में पहले पेट्रोल डला लेता है। बाकी आगे मेरा एक दोस्त है जो वेट कर रहा है, जो इस जर्नी में मेरे साथ रहेगा, और उसको बिल्कुल कैमरे पर आना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो पहले ही बोल देता है कि भाई मुझे कैमरे में मत निकालना, पर देखते हैं। भाई वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। हेलो ब्रदर, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो चले स्टार्ट करें जर्नी। अभी हो रहा है 6:05 और सफ़र है बहुत दूर का, तो आगे वीडियो में बने रहिए। आगे का नज़ारे जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने थतूड़ क्रॉस किया है, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे होंगे। तो अभी भी हमारी जो जर्नी है वो 183 किलोमीटर। अगर आप स्पेसिफिक गंगोत्री कवर करना चाह रहे हो तो आप थतूड़ वाला रूट लें, क्योंकि ये आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आप पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, और अभी ये एरिया जो है वो चिन्याली सौड़ का है, और इसके बाद जो फेमस स्पॉट पड़ता है वो भटवाड़ी पड़ता है। तो दिखाते हैं आपको आगे भी। तो अगर आप इस रूट से आओगे तो ये कुछ जगह आपको उत्तरकाशी के आसपास मिलेंगी, और भटवाड़ी में फेमस स्पॉट है जहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं। तो दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम हरसिल पहुँचने वाले हैं, और हरसिल यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगा, और बीच बीच में रूट आपको ऐसा मिलेगा उबड़ खाबड़ वाला, बट कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा बहुत कुछ ख़राब रास्ता नहीं मिल रहा है। इतना तो पहाड़ों में आना है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। इस टाइम जब मैं आया तो बहुत जगह ऐसे ही रास्ते हैं उबड़ खाबड़ और उखड़ा हुआ, बट रूट बहुत सुंदर है, तो देखने लायक जगह है। और नज़ारे आपके साथ कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और सामने आप व्यू देख सकते हैं, मतलब मेरा तो मन कर रहा है जगह जगह रुकते हुए ही जाऊं। मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूं और मैं सुबह से कंटिन्यू राइड कर रहा हूं बाइक को। मैं क्या, मेरा दोस्त भी जो है वो भी नाइट शिफ्ट वाला ही है, तो हम दोनों नाइट शिफ्ट करके ही आए हैं। तो पहले तक तो नींद आ रही थी, बट अभी रूट इतना प्यारा मिल रहा है कि अब नींद वैसे ही गायब हो चुकी है। ये नज़ारे रुक के दिखाता, पहले अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए आपको चलते चलते ही मैं ये जो व्यूज़ आ रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर ये लग रहा है, तो आप फिज़िकली अगर यहाँ पर विज़िट करोगे और देखोगे तो लिटरली बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर मैं हरसिल वैली की बात करूँ तो हरसिल वैली फेमस है यहाँ के सेब के लिए, क्योंकि यहाँ का जो सेब है वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छे और उच्च क्वालिटी में आता है। पीछे मुझे काफ़ी सेब के पेड़ दिखे थे और मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था, और थोड़ा सा रोड जो थी वो बहुत नैरो है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। अगर आप कभी भी गंगोत्री की तरफ प्लान करते हैं आने का, तो पहली चीज़ तो यह कि आप लेट नाइट यहाँ पे अवॉइड करें ड्राइव करना या राइड करना, और टाइम से आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ की जो रोड है उत्तरकाशी के बाद और ये जो हरसिल जाने वाली रोड है ये काफ़ी नैरो है। तो ये है लंका ब्रिज, और यहाँ पर ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है ये है गर्तंगली जाने के लिए। तो अगर आप गंगोत्री आ रहे हो तो इस स्पॉट पे ज़रूर जाएं, और इसकी टाइमिंग 8:30 से रहती है मॉर्निंग में और 3 बजे के करीब तक। तो फाइनली दोस्तों मैं गंगोत्री धाम अभी पहुंच चुका हूं, और हमने होटल में चेक इन कर लिया है। फ्रेंड जो था वो टायर्ड था और हेल्थ इशू चल रहा है, तो इसलिए उसने बोला मैं तो सो रहा हूँ। इसके बाद अभी मैं मंदिर जाऊँगा और वहाँ की आरती आपको दिखाऊँगा, और कैसा हमारा गंगोत्री धाम है वो भी आपको दिखाऊँगा वहाँ जाकर। Thank you.
गंगास्तवमी मम मलम नित्यं पठति नरो यः सजयति सत्यं तेषां हृदये गंगा भवति तेषां भवति सदा सुखमूर्ति मयूरा कांता पंजटिका भी परमा। जय हो गंगा मैया की, हर हर गंगे। और सुबह के दर्शन मैंने बहुत अच्छे से कर लिए हैं क्योंकि आजकल सीजन थोड़ा ऑफ रहता है, तो इस वजह से बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं। मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ गंगा। गंगोत्री धाम के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय, टेक केयर।